है मदारी और नाच करे बंदर। जहाँ हम नहीं जा सकते वहाँ जा रहे हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए, भगवान आपको दीर्घायु रखे और देश में जो वातावरण आपने बनाया, मैं तो आप जानते हैं, मैं तो आपका बहुत अनुयायी हूँ और बहुत अच्छा है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद है आपको। इसलिए हमने गाड़ी देगी तो अभी थोड़ा आगे निकल कर बात करते, मौका नहीं मिलेगा बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं, भगवान आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे और आप जैसे लोग सेवा करते रहें। थैंक यू। अब आप लोग आ जाए, पहले तो हम ये लड़ाई शुरू की। अभी जन लोकपाल के बारे में आपने भी यहाँ आंदोलन में हिस्सा लिया, बच्चे माताएं बहनों भाइयों ने दिल्ली के आंदोलन में आप लोग भी शामिल हो गए, इसलिए मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन लेकिन मेरा इंतज़ार आप करते करते ये भ्रष्टाचार मिटाने की चाबी आपके हाथ में है, ये हम भूल गए। जनता के हाथ में चाबी है, क्या चाबी है? ये 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में जनतंत्र आ गया, लाखों लोगों ने कुर्बानी की 100 साल में, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे 1857 से 1947 तक इतनी बड़ी कुर्बानी की, और कुर्बानी के बाद अंग्रेज चला गया। अंग्रेज गया इस देश से, लेकिन भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ, गुंडागर्दी कम नहीं हुई, लूट कम नहीं हुई, दहशतवाद कम नहीं हुआ। तो हुआ क्या? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क कितना हो गया? संविधान मान्यता किसको देता है? जनता ने अपना चारित्र्यशील उम्मीदवार खड़ा करना, या जो चारित्र्यशील उम्मीदवार खड़ा है उसको जनता ने सपोर्ट करके संसद में भेजना। ऐसी कड़ी को हम लगाते हुए सोते नहीं, माया सोते नहीं।
ग्रामवासी जी, भगवान सिंह जी और घाट के तमाम देवियों और सज्जनों, अभी बच्चों ने अन्ना जी का स्वागत किया। बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ गा रही थी और उतना ही अच्छा स्वागत में बच्चे नृत्य कर रहे थे। उन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। जय जय सबने सफेद रंग की ड्रेस पहन रहे। अभी जो सदन संचालन कर रहे थे वो बार बार कह रहे थे टीम अन्ना। ये टीम अन्ना के कारण आप इतनी बड़ी संख्या में अन्ना का इंतजार काफी देर से कर रहे हैं और अन्ना को सुनना चाहते हैं। मैं शुरुआत में सिर्फ एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। अभी नारा लग रहा था तेजी के साथ, अन्ना हजारे जिंदाबाद, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो घाट के और घाट के आसपास के गांव से आए हुए लोगों, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं का मतलब क्या है? अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इसका सीधा मतलब है कि अन्ना आपने जिन विषयों के ऊपर अपनी लड़ाई छेड़ी है, इस देश से लड़ाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और हर घर में खुशहाली लाने की जो लड़ाई आपने छेड़ी है, हम उसका साथ देना चाहते हैं, इस नारे का सीधा मतलब यह है। और मैं आपसे ये इसलिए इस आशा के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आप सचमुच इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। पहला तरीका, जो लोग आज यहाँ नहीं आ पाए, हालांकि बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर घाट जैसे जगह पर, जो अन्ना ये आखिरी गांव है, जैसे माना वहाँ आखिरी है, वैसे ये गांव भी आखिरी है, लेकिन इस गांव की मार्केटिंग नहीं हो पाई इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा नहीं आ पाते। लेकिन आप वहाँ से ज़्यादा खुशकिस्मत हैं क्योंकि आपके शरीर के ऊपर जिस तरह के कपड़े हैं वो माना गांव में नहीं है। माना में जिस तरह कोई सड़क नहीं है, आपके यहाँ कम से कम सड़क है। कुछ और भी चीज़ें मैंने देखी, बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। पहली चीज जो अन्ना आपसे कहें उस बात को आप जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं उन लोगों को जरूर बताएं कि हमारे गांव में अन्ना आए थे, हमने अन्ना का स्वागत किया, अन्ना की बातें सुनी। अब अच्छा, अन्ना को आपकी जिंदगी का पूरी जिंदगी नहीं चाहिए, आपकी जिंदगी का सिर्फ एक साल चाहिए। इस देश के लिए नौजवान, बुजुर्ग, माताएं बहने, जिनके मन में भी इस देश को लेकर के प्यार है, इस देश को बदलना चाहते हैं, अपने घर के साथ पड़ोस के घर में और पूरे मुल्क में खुशहाली लाना चाहते हैं, वो लोग अन्ना का साथ देने के लिए मुझे यहाँ पर्ची दें। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक साल अन्ना को चाहिए इस देश के लिए।